और भी इलाकों में बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के पार्क और भी जगहों पे आएंगे तो और अच्छा होगा। वैसे तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा लगता है। सही, आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी, यहाँ का माहौल आपको बहुत अच्छा लगेगा, चल रहेंगे आप। ठीक है ठीक है, ऑफिस के बाद आप ऑफ करके यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इस टाइम मैं मौजूद हूँ बंस रोड पे, और बंस रोड पे मैं आया हूँ पीपल स्क्वायर पार्क, जो कि दुबई की तर्ज पे बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसका एनवायरनमेंट है। पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, माशाल्लाह आप लोगों ने पसंद करी थी इस वीडियो को, तो मैं दोबारा आया हूँ इसको डिस्कवर कराने। इसमें बहुत सारी चेंजेस आई है, तो मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगा और विज़िट कराऊंगा क्या क्या इसमें चेंजेस आई है। और एक और चीज़ बता दूँ, इसमें पार्किंग की सहूलत है, पार्किंग भी आप कर सकते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक की टाइमिंग है। चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, हो सका तो शेयर भी कीजिएगा, और अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलें एक्सप्लोर करें, आ जाए। तो ख़वातीन हज़रात, आप लोग देख सकते हैं मैं एंटर हो गया हूँ, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट कितना अच्छा है यहाँ का। ये जो बेसिकली है, ये देख सकते हैं हम दरख्तों के साइड पे, यहाँ पे भी आप लोग बैठ सकते हैं, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और उल्टे हाथ की तरफ ये देखिएगा, ये सारी फूड कोर्ट चल रहा है, ठीक है। और उसका जो सिटिंग एरिया है वो देखिएगा, ये सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया इनका ये है, ठीक है। और ये है कश्मीरी ग्रिल बारबेक्यू, ठीक है। और यहाँ देखिएगा मज़ेदार से ये पता नहीं क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं, चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या चीज़ तैयार हो रहा है? कैसे हैं? खैरियत से? क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? मज़ेदार सी लग रही है। ये मायो रोल तैयार कर रहे हैं। मायो रोल, वाह भाई बेहतरीन। क्या प्राइस है इसकी? सर इसके हैं 130 रुपीज़। 130, ठीक है, सही है। क्या टाइमिंग है आप लोग की यहाँ पे? सर 11 o'clock रात को 11 बजे। सुबह कब से? शाम से होगा ना? शाम को 6 बजे से स्टार्ट। ठीक है ठीक है, सही है। ये देखिए ये भी है, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ये क्या है? ये राने हमारी टिक्का है, ये बेसिकली। सर ये टिक्का है। क्या प्राइस है? प्राइस भी बताते बजाय ना। प्राइस है 250 रुपीज़। 250 रुपये, ठीक है। और वो ये क्या है? सर ये मलाई बॉटी, ठीक है। ये इसकी प्लेट है 300 की, इसकी कितनी सीखें होंगी? सर इसमें ये 2 सीखें होती है, 8 चिकन की होती है। ठीक है ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। चलें थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे यहाँ पे ये देख सकते हैं फूड कोर्ट है बने हुए हैं, और बेसिकली ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये वॉकिंग का एरिया है, ये आप यहाँ से ये वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? यहाँ पे होते हैं आप? क्या अवेलेबल है आपके पास, कुछ बताएंगे? खोसा कितने का है? 350 का है। और प्राइस? 100 रुपीज़ की प्लेट। ठीक है ठीक है। कॉटन रोल है, मतलब आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा यहाँ पे। उनका जो डाइनिंग एरिया है वो दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन डाइनिंग एरिया, ये देखिएगा, वाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप पार्क के जब सेंटर में आते हैं ना, एक फाउंटेन है बनाया हुआ है, बेसिकली ये बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह। ये मगरिब के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। हम लोग जब आए थे तब स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ मगरिब के बाद स्टार्ट होता है। और ये मिड में बनाया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं पार्क का, ये मिड है बिल्कुल, ये देखिएगा ये मिड है, वाह भाई बेहतरीन। तो चलते हैं बस आगे की तरफ, चल के आप लोगों को विज़िट कराते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने लाजमी से आना है, विज़िट करना है। इसकी जो लोकेशन है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, विज़िट करना है, बहुत बेहतरीन है। इसकी कोई टिकट नहीं है, सही पार्किंग की टिकट होगी, बेसिकली 20 रुपये होती है, 30 रुपये होती है, 30 रुपये बाइक के, 50 रुपये गाड़ी के, बस वही आपको पे करने होंगे, और कोई इसमें चार्जेस नहीं है आके। और आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिएगा ये आइसक्रीम भी है। अच्छा, बच्चों का प्ले एरिया भी है, बच्चों का प्ले एरिया दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, बच्चों का प्ले एरिया में आगे। अस्सलाम वालेकुम यार, कितने का है ये जंपिंग? 50 का है। कितनी देर होता है? 20 मिनट। कोई सा भी ले लें, ये भी। अच्छा, इसका 100 है, जो बड़ा है वो उसका 100 है, आपका 50 है, ठीक है, ये भी 100 रुपये है, ठीक है। अच्छा, इसके सामने चलते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आर्ट गैलरी है बेसिकली, वो देखिएगा बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिएगा भाई गैलरी आर्ट, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त तैयार किया हुआ है। ये मोहट्टा प्लेस है, मोहट्टा प्लेस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ओल्डेस्ट प्लेस है कराची का, आप लोगों ने लाजमी से वो वीडियो देखनी मोहट्टा प्लेस की। और इस पे आगे की तरफ चलते तो क्या है भाई, ये जो है बेसिकली ये फेरियर हॉल है, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ, ये भी ओल्डेस्ट प्लेस है कराची का। और ये जो है, अच्छा ये चर्च है सदर में,
खैर आगे की तरफ चलते हैं और आगे क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ, और कौन कौन जगह है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। बच्चों का प्ले एरिया ही देखिएगा, कितने की है यार ये ग्राउंड, कितने का है? 100 रुपये की राइड है, ठीक है। और कितनी बड़ी राइड होगी? गेट से लेके सेकंड बेंच तक। कौन से गेट से? ये गेट से, इस गेट से कहाँ तक होगी? ये सेकंड बेंच तक, ठीक है। और ये जो झूले हैं ये वाले कितने कितने के? ये 100 के 5 टोकन। 100 के 5 और एक झूले में कितने टोकन डलेंगे? एक एक ही डलेगा, ठीक है ठीक, शुक्रिया। अच्छा जी, तो ख़वातीनों हज़रात, ये एक नई चेंजेस आई है इसमें, पहले ये नहीं थी। किड जोन अब बनाया गया है और इसकी कुछ टिकट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 150 रुपये टिकट है, ठीक है, वो आप पे करेंगे। और ये किड जोन बना हुआ है, यहाँ पे बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत अच्छा मतलब बनाया हुआ है ये। ये अच्छा कर लिया कि इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है यहाँ पे। 100 रुपीज़ है या 150 है? 100 है, ठीक है, वहाँ 150 लिखा हुआ था ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। 15 मिनट के आपका टाइम ड्यूरेशन है इसकी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं। स्लाइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने नई एक इंट्रोड्यूस कराई है। सिर्फ सीधे हाथ की तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक सिटिंग एरिया है, वो आप लोगों में दिखा देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन है सिटिंग एरिया, बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए भाई, ये है यहाँ का सिटिंग एरिया। तो आप लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो यहाँ के बैठ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने है बंस रोड, बंस रोड पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कराची की ओल्डेस्ट फूड स्ट्रीट है। तो आप लोगों ने लाजमी से वो व्लॉग भी देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, लाजमी से देखना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे होता है एंड स्पार्क का, ठीक है। और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम की मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वॉशरूम इनका साफ़ सुथरा है, तो आप लोग यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप लोग? खरदर से, माशाल्लाह। कैसा लगा पार्क आपको? बहुत मज़ा आता है। अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा लगता है। कोई कमी नज़र आई इस पार्क में या इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? यार कुछ राइड्स वगैरह होनी चाहिए थी, यहाँ तो सिर्फ बच्चों के झूले वगैरह, बच्चे ही कर सकते हैं। हाँ, होना चाहिए था थोड़ा सा और एंटरटेन बनाना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बस बच्चे ही बच्चे, अब जो बच्चे वाले नहीं है वो कहाँ करेंगे, वो क्या करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब और भी पार्क हैं उसके लिहाज से तो बेहतर है, उस लिहाज से तो बहुत बहुत बेहतर है। आपको मालूम है कि दूसरे पार्क वगैरह में क्या, भाई अगर यहाँ पे फूड कोर्ट नहीं है, बंद है, तो फिर ये है कि सामने आपको बंस रोड मिलते हैं, सामने बंस रोड है, वहाँ जाके इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ जैसे माहौल है उस बिल्कुल इन्जॉय करना, वहाँ तो फिर ट्रैफिक शोर शराबा, यहाँ पर आराम से। व्यूवर्स को क्या कहते हैं, यहाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए? ज़रूर आना चाहिए, आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी, यहाँ का माहौल आपको बहुत अच्छा लगेगा, चल रहेंगे आप। ठीक है ठीक है, ऑफिस के बाद आप ऑफ करके यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा आदमी बंदा कर जाता है। सही, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पार्क एंड होता है, तो मैं यही कहूँगा कि अब मुझे दें इजाज़त। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, हो सका तो शेयर भी कीजिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।